अस्सलाम वालेकुम, मैं शमैला वसीम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे जी। आप सबकी दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से मैं भी ठीक और खुश हूँ। तभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार जी, ईद की शॉपिंग करनी है, तो चलाएँ फिर चलते हैं जी मिलके बाज़ार। आप लोग भी मेरे साथ बाज़ार चलें और इन्जॉय कीजिएगा और देखिएगा कैसे कैसे कपड़े खरीद रहे हैं। हम लोग घर से निकल चुके हैं और बहुत बहुत ज़्यादा से कहते हैं ना तेज़ धूप है, वो है मुझे तो सामने देखा भी नहीं जा रहा। तो मैं बैक कैमरा ऑन करती हूँ तो ज़ैफ़ा दिखाती हूँ, ज़ैफ़ा मेरी गोद में। कभी वसीम अंदर गए हैं पैसे निकलवाने के लिए, बाज़ार चलते हैं। आप भी चले जाओ पापा पास, जा रहा पापा पास, इधर से जाना है दरवाज़ा को। चलो जाओ, चले जाओ, जाओ चले जाओ, जाओ मैं अंदर चले जाओ, वो देखो भाई और पापा अंदर खेल, जाओ चले जाओ। तो वसीम ने पैसे निकलवा लिए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। तो अभी आपको जाके मिलते हैं बाज़ार में। वसीम बाइक स्टैंड पे लगा रहे हैं, स्टैंड पे लगा लें तो फिर ये नान और ज़ैफ़ा मेरे पास हैं, फिर हम लोग चलते हैं अंदर बाज़ार में, कितना रश लग रहा है। तो ये जी हम लोग आ गए हैं बाज़ार के अंदर और बहुत 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 ज़्यादा रश है। हालांकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, फिर भी बहुत ज़्यादा रश है। ईद के दिन है शायद इसलिए। और ये देखते हैं जी कैसे हजूम है और बाज़ार फुल भरा हुआ जगमगा रहा है चीज़ों के साथ। अभी जैसे जैसे शाम होगी फिर और ज़्यादा लाइटिंग, और ज़्यादा चीज़ें प्यारी लगेंगी। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं बच्चों की मार्केट में। ये सारी बच्चों की मार्केट है, जो भगवानपुर आते हैं उन्हें तो पता होगा, हमने सिर्फ एक ही शॉप रखी हुई है। वो हमारे साथ बहुत अच्छा रेट करता है, शुरू से उसी के पास आते हैं। तो चलाएं फिर चलते हैं जी। ये आगे भाई की शॉप आ गई, ये देखिए जी वो शॉप में पैंट कोट वगैरह है। तो अभी हमें भाई के कपड़े दिखा रहे हैं ना, ज़ैफ़ा जितने भी ओपन किए हुए हम लोग देख रहे हैं इनके लिए, ले लें फिर घर जाके सुकून से तसली से आप लोग दिखाऊंगी मैंने क्या लिया। आप लोग सिर्फ चेक कर लिया। और ये इधर नान के पीछे देखे बेचारे दुल्हन दुल्हा के लिए खड़े हैं, दुकान भी बंद है, कितना दूर खड़ा किया बदनों को। कौन सा वाला? पॉकेट वाला, पॉकेट वाला बैग है, पॉकेट वाला बैग वो वाला बैग तो लेके भी है, पॉकेट वाला सही है बड़ा। तो बच्चों की शॉपिंग के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं अपने वसीम के कपड़े लेने। खोल के दिखा रहे जरा, तो मुझे ये वाला ड्रेस अच्छा लगा भाई, ओपन करके दिखाते हैं। ये वाला जो ये डमी ने पहना हुआ ना, ये वाला अच्छा लगा। और ये भाई अभी ओपन करके दिखा रहे हैं, ये देखें। बाकी मैं आपको घर जाकर सुकून से दिखाऊंगी फिर ना, ये देखें कितना प्यारा प्रिंट है। इस मरतबा है भी नहीं ले रही, ले रही पहने नहीं जाने वाले पैचेज वाले, इतने इतने प्यारे हैं। घबराहट होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा, हालत भी ऐसी है। तो बस ये ड्रेस ले लें तो फिर एक दो और लेने हैं। तभी हम लोग गए जैन शॉप पे, ये जो भाई कटिंग करे मैंने पसंद कर लिया था कलर नीचे दरवा के। तो अभी हम ये ले रहे हैं दो सूट, एक वसीम का और मेरा सेम। मैं मम्मी से थोड़ी डिज़ाइनिंग करवा लूँगी, टस वगैरह लगा लूँगी और जो दुपट्टा है वो थोड़ा हैवी कर लूँगी, तो हमने वो ईद पे पहनना है। और अभी इधर भाई जो है वो वसीम का जो ड्रेस है वो कटिंग करने लगे हैं, दूसरा सूट ये वसीम का ड्रेस कटिंग हो रहा है। वसीम का ड्रेस कटिंग हो जाए फिर वसीम ने एक और पसंद किया, वो भी वसीम का कटिंग हो जाए तो फिर हम लोग चलेंगे जी घर की तरफ। फिर अगर जो बाकी जूतियाँ छूतियाँ जिले शुरू हुए वसीम कह रहे हैं अगली मरतबा के लिए जाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा रश। और एक ये कलर वसीम ने पसंद किया है, ये भाई कटिंग करें, ये भी हमारे ड्रेस ये वाला। अभी कटिंग हो जाए ले लें, फिर अम्मी के घर जाना है, फिर अपने घर जाएंगे। बस अम्मी भी और कपड़े दिखाने के लिए, भाभी कहती है आप ही कपड़े लेके आएंगे ना, फिर हमें भी दिखाइए जी। तो सारी शॉपिंग हो गया, बहुत बहुत गर्मी है, वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा, ऐसे लग रहा है ऐसे बहुत अच्छा मौसम है, नीट क्लीन आ रही है। और इधर हनान साहब वो पी रहे हैं कि ना कि वो बच्चा वो पी सकते हैं। तभी वसीम स्टैंड से बाइक लेके जा रहे हैं, फिर बैठते हैं तो हम लोग चलेंगे। ज़ैफ़ा खड़ा हुआ है या आ ही नहीं रहा। और ये सारी जो शॉपिंग है वो सारे शॉपर मेरे हाथ में, अभी घर जाके वसीम को इफ्तारी करवाऊँगी। इफ्तारी करवा के फिर टाइम मिला तो आपको कपड़े दिखा दूंगी, वरना इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी फिर। अभी हम लोग बैठने लगे हैं बाइक पे और जाने लगे हैं जी अम्मी की तरफ, फिर आपको मिलेंगे अपने घर जाके जी। तो अभी हम लोग बाइक पे बैठ के हैं तो अभी जाने लगे हैं अम्मी की तरफ। बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई और बहुत जल्दी होगी, इस बार तो वैसे ही बहुत जल्दी, मुझे खुद नहीं पता लगा काफ़ी जल्दी शॉपिंग हो गई। तो अभी हम लोग शॉपिंग करके आ चुके हैं, आपने सारी चीज़ें देख लिया जो बाज़ार में से खरीदे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें ओपन करके दिखाऊंगी। तो अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा, चलें जी इफ्तारी रखते हैं, वसीम को रोज़ा इफ्तार करवाते हैं। तो फिर अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी, अपनी ईद की शॉपिंग आपको दिखाऊँगी। तो अभी इफ्तार में है जी बिरयानी,
ये दही भल्ले हैं और ये चटनी है। दही की चटनी इतनी कम समोसे वाले देने में तो हंसी नहीं, क्योंकि मैंने सिमसा को हंसी करना था, रहने देते। टिक्कियाँ पड़ी हुई हैं और साथ में पकौड़े हैं, समोसे हैं और खजूरें हैं। और वसीम ने कहा दूध सोडा बनाना, बस अभी दूध डाला और बोतल डालनी है, फिर अफ्तार का टाइम आ जाए, फिर बोतल डालेंगे, दो चार मिनट ही रह गए होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जी, आ जाए जी जिसमें अफ्तार करनी हो। और ये जी मैं तो बिरयानी के ऊपर टिक्की रखे ना, तो स्पाइसी से बिरयानी हो तो मैं टिक्की कर बिरयानी खाने लगी हूँ।